जय हो श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान गीता जी के दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, तेरे बैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। उस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर देगा। इस कर्म बंधन में कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचारों वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही एक प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा समझने वाले कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित तथा दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है और एवं भोगों तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चात्मिका बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। जय श्री कृष्ण भगवान। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के का हेतु मत हो, अर्थात तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। ममत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे।
वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मैंने आज आपको गीता जी के दूसरे अध्याय का अर्थ बताया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बच्चों को गीता जी का पाठ जरूर करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो शुद्ध मार्ग पर चलें और आगे जाकर अच्छे बच्चे बनें। जय हो श्री कृष्ण भगवान।